नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो साथियों, स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को, आज के इस क्लास को। अगर आप लोग पहली बार जुड़ रहे हो तो आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें जो है फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर लीजिएगा फॉर फ्री PDF, ठीक है। आपको भैया PDF आपको यहाँ पर देखो मैं प्रोवाइड करता हूँ, बिल्कुल जितने भी क्लासेस होती हैं उन सबकी फ्री PDF आपको जो है मिल जाती है। इसके अलावा जो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है यहाँ पर जो फॉलो कर लीजिएगा, हमारा एक ऑफिशियल ऐप है DAGOG ऑफिशियल ऐप, इसको जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आपको आने वाले समय में टेस्ट सीरीज हो गए, इंपॉर्टेंट PDF हो गए, यहाँ पे मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को, आज के इस क्लास को। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सबको पता है पेड बैच आपका, एक ये भी जान लो भाई पेड बैच आपका जो स्टार्ट हो रहा है, संजीवनी बैच की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका जो स्टार्ट हो रहा है। मे बी कल एक डेमो क्लास मैंने मैथ का दिया था, कल मैंने एक मैथ का डेमो क्लास दिया था, आपने शायद परसेंट वाला वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है नीचे दे दूंगा लिंक, आप देख लीजिएगा। तो अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हैं जहाँ पर आपको PET का हर चीज यानी कि A to Z जितनी भी चीजें हैं आपके PET के जितने भी क्लास में जितनी चीजें पूछी जाती है, जितनी चीजें आपकी आती हैं, आपका A to Z जो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। जैसे मैं आपको बताऊँ क्या क्या आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मैथ और रीजनिंग जितने भी हैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाए जाएंगे। मैथ और रीजनिंग के अलावा जो आप सभी को हिंदी में जो आपके बेसिक चैप्टर्स हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे, और भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपको यहाँ पर कवर करवाए जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान जो है मत होइए। और अगर हम बात करते हैं कैसे जुड़ना आप सभी को, यहाँ पर ये जो 8081123739 ये नंबर आपको दिख रहा है ना भाई, इस नंबर पे आपको पे करना है। आप गूगल पे फोन पे कुछ भी कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, आपको हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है और आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। जो लोग को व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए अभी तक नहीं ऐड किया गया है उनको भी ऐड कर दिया जाएगा, थोड़ा टीम लगी हुई है, सब कुछ हो जाएगा आपका मैनेज, उसके लिए परेशान मत होइए, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, आज के इस क्लास को। और आज का जो पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा भाई। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर ये रहा। चलिए क्वेश्चन सबको बीच वाले पूरा बड़ा दिख रहा है, वहाँ वाला थोड़ा सा नहीं दिख रहा है ना भाई, एक मिनट में देखता हूँ भाई वहाँ का हल्का सा क्यों नहीं दिख रहा, अब दिख रहा वही, ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको साइड का। क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करो। क्वेश्चन आपका देखिएगा, पेन कहाँ गया बच्चा, क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है भैया, उस विकल्प का चयन करिए जिसका तीसरा शब्द जो है से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द से पहले शब्द का है। यही तो क्वेश्चन आपसे भी से पूछा गया ना। तो यहाँ पर क्या हो जाए भाई, आर्मी का संबंध किससे भाई आपका सैनिक से दिया गया है, तो गैलेक्सी का संबंध पूछा गया है किससे हो जाएगा। अब भाई ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को और सब लोग बताते हुए चलेगा भाई, आर्मी का संबंध अगर आपका सैनिक से है तो गैलेक्सी, देखो आर्मी में आपका सैनिक होता है भाई, आर्मी में सैनिक होता है, तो गैलेक्सी आपका क्या हो जाएगा भाई, गैलेक्सी में आपके ग्रह होते हैं, सभी को पता है गैलेक्सी में क्या होता है भाई आपके ग्रह होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा भाई। देखो एक कथन दिया गया है, इस क्वेश्चन से काफी लोग जो हमेशा परेशान होते हैं, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कथन क्या दिया गया भाई, ध्यान से, ये दो कथन है, इन दोनों कथनों के हिसाब से बताना है कथन और परिणाम उसके सही है या गलत है, आपको ये बताते हुए चलना है। कह रहा है गन्ने की फसल का अधिकांश भाग कीटों द्वारा प्रभावित हुआ था जिसके कारण राज्य में किसानों को भारी नुकसान हुआ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कह रहा है कि गन्ने की जो फसल है उसका अधिकांश भाग किसके द्वारा जो प्रभावित हुआ, कीटों के द्वारा जो आपका प्रभावित हुआ था जिसके कारण राज्य में किसानों को जो है भारी नुकसान हुआ, यहाँ पर ये कह रहा है। और फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है भैया कि राज्य के किसान जो पहले गन्ने की खेती करते थे इस वर्ष अब अंगूर की खेती की ओर मुड़ गए हैं। तो ये कथन दिया गया और कारण दिया गया है। अब यहाँ पर समझिएगा, पहला यदि कथन कारण है और कथन भी उसका जो है परिणाम है, यदि कथन एक कारण है, कथन एक बात कर सकते हैं कि गन्ने की फसल कीटों द्वारा प्रभावित हुआ जिसका राज्य जो है भारी नुकसान हुआ था, एक कथन हो सकता है, और यहाँ पर एक कारण हो सकता है कि इसकी वजह से, तो कथन जो है क्या हो सकता है आप भी उसका परिणाम हो सकता है कि इसी वजह से गन्ने की खेती जो करते थे अब अंगूर की खेती में जुड़ गए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि भैया कथन जो है आपका जो यही, तो इसी वजह से तो वो गन्ने की खेती ना करके किस पे आ गए भैया, अंगूर खेती पे आ गए। तो ए वाला उत्तर जो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। 47 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, समझ में आ गया। चलिए एकदम आपको क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन पे फोकस करना है, उसके बाद जो है आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, फिर से कथन वाला एक क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है, नीचे का नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा जो यहाँ पर जूम इन कर रहे हैं, अब दिख रहा है भाई, एक मिनट रुको भाई, चलो अभी दिख रहा होगा थोड़ा सा जो है उस तरीके से। क्या कह रहा है कथन आपका यहाँ पर, कथन कह रहा है भाई आपसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा एक मिनट और सब लोग बताते हुए चलिएगा। कथन कह रहा है कई सरकारी अधिकारी अपना काम करने के लिए रिश्वत लेते थे,
कई सरकारी अधिकारी जो अपना काम करने के लिए कह लेते थे, रिश्वत लेते थे, और कार्यवाही क्या है भाई आपका, भ्रष्ट कर्मचारियों को फंसाने फांसने पर उन पर मुकदमा चलाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो को स्वतंत्र किया जाना चाहिए। चलो भाई, भ्रष्ट कर्मचारियों को फंसाने के लिए फंसने के लिए कह रहा है कि एक ब्यूरो को स्वतंत्र किया जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा कह रहा है कार्यवाही कि सरकारी कर्मचारियों पर लगे से भ्रष्टाचार के आरोप झूठे हैं। तो दूसरा कथन तो बिल्कुल गलत है भाई कि सरकारी कर्मचारी पर लगे सारे आरोप झूठे तो हो नहीं सकते हैं। तो अभी सी बात है, दूसरा वाला आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा और पहला आपका जो है सही हो जाएगा। तो सिर्फ एक अनुसरण करता है, ठीक है, अगर कोई आपको पता चलता है कि हम अपना कोई काम करने के लिए रिश्वत ले रहा है, कोई ऐसा कुछ कर रहा है, तो ये ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर जो हो सकता है। सर जी ब्लर आ रहा है, हाँ मुझे समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जितने जवाब दिया था भाई कौन सा अभी, ठीक है, जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया था ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलिएगा। ये देखो भाई, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे और समझते हुए चलेंगे भाई। क्या कह रहा है, 4WXZ8QPO ये सब दिया गया है। अब कह रहा है बाईं ओर से सातवां आठवां पंद्रहवां और सत्रहवां अक्षर को एक सार्थक शब्द बनाने के लिए चुना जाता है, तो उससे तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा। पहले बाईं ओर से सातवां अक्षर दो कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सतवां, तो आपका पी हो गया, ठीक है। सातवां चाहिए हमको, आठवां चाहिए, आठवां तो आपका ओ हो जाएगा, ठीक है, पी और हो गया आपका ओ हो गया। थोड़ा सा कलम को जो है थिकनेस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, थिकनेस तो इतनी दिख रही है यहाँ पर, हाँ चलिए कोई बात नहीं, पी हो गया ओ हो गया, दिख रहा है ना, अगले क्लासेस को सही कर लेंगे, पी हो गया और आपका जो है आपका ओ हो गया। उसके बाद आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, सतवा आठवा पंद्रहवा, आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, पंद्रह आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई आपका, ई हो जाएगा। उसके बाद कह रहा हमसे सत्रह अठारह और सत्रह में अक्षर को पंद्रह में, सोलह सत्रह आपका एच हो जाएगा। इससे आपका एक देखा जाए तो पी है, ओ है, ई है, एच है, इससे एक सार्थक शब्द क्या बन सकता है, होप, दिमाग में आ रहा भाई, एच ओ पी ई, सार्थक शब्द आपका होप बन सकता है। अगर इससे एक सार्थक शब्द होप बन रहा है तो पूछा गया इसका तीसरा अक्षर क्या होगा, तीसरा अक्षर क्या होगा, तो इसका तीसरा अक्षर देखिए आपका पी आ रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई आपका, पी हो जाएगा। समझ में आया भाई, और कोई सार्थक शब्द बन सकता है तो देख सकते हैं भाई, क्योंकि मुझे लगता है एक ही सार्थक शब्द बनेगा, तो यहाँ पर आपका जो उत्तर हो जाएगा भाई पी वाला यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, यस और नो, सबको समझ में आवा? हाँ भाई, देखो यार थोड़ा लाइटिंग वाला इशू है, सही हो जाएगा। तो ये जो पीछे बैकग्राउंड पर थोड़ा ब्लर सा या थोड़ा सा ब्राइटनेस ज्यादा आ रहा है, ये सब जो है कोशिश करेंगे सारा सही हो जाए, शायद ब्राइटनेस बढ़ाने से कुछ काम चल जाए, ठीक है। ब्राइटनेस बढ़ाने से कुछ ज़्यादा ही ब्राइटनेस बढ़ गया, मज़ा नहीं आएगा, तो ब्राइटनेस कम ही सही रहेगा, इतना कम रहेगा तो आपको उतना बेटर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई आपका, पी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया भाई, चलिए भाई समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलिएगा भाई। क्या कह रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सब लोग प्रयास करते हुए चलेंगे। कह रहा है आपसे यहाँ पर, शाम के 4:52 बज रहे हैं, कितने बज रहे भाई, 4:00 हो रहा है भैया 52 मिनट, इस पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोड क्या हो जाएगा भाई, 4:52 हो रहा है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगेगा, 4:52 इसको मानिएगा यच, इसको मानेंगे एम, अब कहो यच क्यों माना एम क्यों माना, क्योंकि 4:52 4:04 और 52 मिनट ये हम आपका बाउन हो जाएगा, तो आपका 4:52 ही तो है ना भाई, तो 4 घंटा यानी कि आपका क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया थीटा बराबर, फॉर्मूला लिख लो भाई, थीटा बराबर होता है 30H, ठीक है, -11/2 m, एक फॉर्मूला होता है 30H -11/2 m होता है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, 30H -11/2 m अगर कर देंगे तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ध्यान से, थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 30 × h है ना, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, h की वैल्यू की बात करते हैं, यहाँ पर h के नीचे देखो क्या लिखा है, 4 लिखा है तो 4 कर देंगे, ठीक है, -11/2 m की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई आपकी, 52 है तो 52 कर देंगे, ठीक है, 52 हो गया आपका। अब देखो क्या हो जाएगा, 30 × h यानी कि 120 माइनस कितना हो जाएगा, इसको हल कर लो, 26 बार गया, 11 × 6 = 66, 11 × 9 = 22, 22 और 6 कितना हो जाएगा भाई, 22 और 6 को ऐड करेंगे 28 हो जाएगा, 286। इसको घटाना होता है यानी कि इसका अंतर निकालना होता है, ठीक है, 120 में से 286 को घटाएंगे, इसका अंतर निकालना होगा, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटा दो, कितना आ जाएगा भाई, ध्यान देखिए 6 आ जाएगा, कहाँ 6 आ रहा ना, और 8 में से 2 गया आपका 6 आ जाएगा,
और आपका यहाँ पर दोनों से एक आ जाएगा 166 डिग्री यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कहाँ पे आ रहा है भाई आपका, डी ऑप्शन में आ रहा है 166 डिग्री। ठीक है, तो आपका जो डी दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। आई नो यार थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा आप सभी को, इसका मुझे जो कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, एक मिनट का मुझे समय दे दीजिए भाई। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया था ना, यहाँ तक सबको समझ में आ गया तो भाई अच्छी बात है। क्या हो जाएगा देखते हैं भाई, वहां तक समझ में आ गया तो उसके आगे बढ़ रहे हैं, एक मिनट का मुझे समय दे दो बस। दिल तू ही बता, शायद वो पेन पेन मैं ओपन करना जल्दी जल्दी भूल गया था जब क्लास स्टार्ट कर रहा था, कोई मैनेज करने के लिए नहीं है, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। खुल जा भैया, बड़ा झमेला स्टार्टिंग में तो लगता है क्या ही ले लिया हमने, अब मेरे को भी एक दो दिन में ये लग रहा है ना कि हमने क्या ही ले लिया, क्या बवाला पाल लिया इसको, जैसे पढ़ाते थे वैसे अच्छा था, लेकिन ठीक है धीरे धीरे आदत बनेगी, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी, इसके लिए परेशान मत होइए। ठीक है चलिए, तो हम लोग कहाँ तक हो चुके थे भाई, उसके आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें जो आपको पेन मिलेगा देखने को, इसमें पेन अच्छे अच्छे देखते हैं देखने में मिलेंगे भाई। ये वाला क्वेश्चन था ना भाई, 50 हो गया 51 हो गया भाई, इसमें थोड़ा हम पेन को जो है चेंज कर लेते हैं भाई। इसमें मोटा भी हो जाएगा, एवरीथिंग इसमें जो है पॉसिबल रहेगा। चलिए क्वेश्चन लिख रहा है भाई आप सभी को, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई आपसे यहाँ पर, आगा का खान, आप देखो आगा खान गोल्ड कप जो है किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन है, हॉकी है, फुटबॉल और आपका क्रिकेट दिया गया है, किससे संबंधित है। अब देखो थोड़ा मोटा हो गया है, अब आपको दिखेगा भाई आगा खान कप की अगर हम बात करते हैं तो भैया ये आपका किससे संबंधित है, क्वेश्चन 51 है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा भाई। अब देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा डाउट आपके दिमाग में रहेगा हमेशा, डाउट क्या रहेगा, एक होता है आगा खान कप, अब एक क्या होता है भाई आपका आगा खान कप होता है, अब आगा खान कप तो लिखा नहीं है यहाँ पर, आगा खान गोल्ड कप लिखा हुआ है, अगर आगा खान कप लिखा होता तो आप लोग टिक करते किस पे, हॉकी पे टिक करते, बट यहाँ पर हॉकी वाला गलत हो जाएगा, जब आपका आगा खान गोल्ड कप आ जाए तो आपको टिक करना है फुटबॉल पे। ठीक है, ये चीज जो है ध्यान रखना है, आगा खान कप आपका जो है हॉकी से संबंधित है और आगा खान गोल्ड कप आपका किससे संबंधित है भैया, फुटबॉल से संबंधित है, तो ये पॉइंट जो याद रखिएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय खेल पूछा गया है भाई, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो एक बहुत ही महान व्यक्तित्व थे जिनका नाम था मेजर ध्यानचंद, उनके जन्म दिवस पर जो है भारत में क्या मनाया जाता है, ये खेल दिवस को जो है मनाया जाता है, उनका जन्म कब हुआ, उनको हॉकी का जादूगर बोला जाता है, कई नामों से उनको जानते हैं, और ये जो आपका उनका जन्म हुआ था 29 अगस्त को, कब हुआ था उनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था, तो अगर आपके पेपर में आता भैया कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है तो आपको याद रखना 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है चलिए भाई, इन्होंने 1928 में, 1932 में, 1936 में कई सारे तीनों बारों में जो है स्वर्ण पदक जीते थे, वो हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाए थे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय आज ही सुबह, आज तो सुबह नहीं पहले क्लास है, चलो बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय इसका जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखिए 55 दिया गया, 54 दिया गया, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे भैया, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, चलिए जवाब देखिए यहाँ पर जिनेवा है, पेरिस है, बर्लिन है, तो जवाब देखिए सही आ रहा है वियना में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय आपका वियना में है, तो ऑप्शन नंबर 7 ही सी जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे, पटाखा किस देश की प्रमुख मुद्रा है भाई, देखो भाई पटाखा हम लोग जलाते हैं और कहीं की मुद्रा भी है, हम लोग जलाते हैं और कहीं की मुद्रा भी है, तो सब लोग बताते हुए चलेंगे भाई पटाखा जो है किस देश की मुद्रा है, पटाखा जो है किस देश की मुद्रा है, पनामा है, लाओस है, मेक्सिको और आपका मकाऊ दिया गया है। ठीक है, कमेंट सब लोग करते हुए चलो, जवाब सब लोग देते हुए चलो, यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, मकाऊ यहाँ पर जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लाओस का लाओ किप है, लाओस की बात करते हैं तो यहाँ की मुद्रा क्या भाई आपका लाओ किप है, याद रखिएगा लाओ किप है। अपने भारत की मुद्रा तो सबको पता ना भाई, भारत की मुद्रा क्या भाई, अपने भारत की मुद्रा की बात करते हैं तो भारत की मुद्रा रुपया है। ठीक है, मेक्सिको की मेक्सिकन डॉलर वहां पर चलता है, मेक्सिको का याद रखिएगा। ठीक है चलिए भाई, पनामा की जो मुद्रा है, पनामा की अगर हम बात करते हैं तो इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस डॉलर वहां पर चलता है पनामा में। ठीक है,
चलिए, मेक्सिकन डॉलर या मेक्सिकन पेसो उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, मैथ वाले क्वेश्चन में लेकर आया था, कहाँ चला गया भाई। चलो यहाँ पर भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल जो कितने दिनों का होता है भाई, राज्यपाल कितने समय तक रहता है, तो राज्यपाल 5 वर्ष तक रहता है। अब देखो राज्यपाल से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत रहता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, मिनिमम एज जो है 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको राज्यपाल बनना है तो आपकी एज जो है 35 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यपाल बनने के लिए राष्ट्रपति के पास जो जो कह सकते हैं क्या बोलते हैं योग्यताएं होनी चाहिए, वो आपके पास भी होनी चाहिए, तो ये चीज जो है दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है भैया आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित में से पूछा गया है कौन सा युग्म सही नहीं है, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, ठीक है भैया कोई दिक्कत बात नहीं है भाई, निषाद बाग जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, लेकिन हुमायूं का मकबरा की अगर हम बात करते हैं, ये हुमायूं का मकबरा, इसको मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है, इनको मुगलों का कब्रिस्तान और इसको पहला बगीचा मकबरा भी इसको कहते हैं, ये जो आपका इलाहाबाद में नहीं है, ये आपका कहाँ पे भाई, दिल्ली में है, कहाँ पे भाई, दिल्ली में है, ये पॉइंट जो याद रखेंगे, ये कहाँ पे बच्चा, दिल्ली में है, तो ये पॉइंट जो याद रखिएगा, क्लियर है, यस और नो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्या कह रहा है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे 5 ईयर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है गलत है भैया। अब देखो इस तरह को, ये आपके करंट अफेयर में आपको अलग से करवा रहा हूँ, ठीक है, करंट अफेयर में आपको अलग से करवा रहा हूँ, बट यहाँ पर देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, 5 ईयर गठबंधन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सच जो आप लोगों को क्या करना भाई, ध्यान देना है। पहला कथन कह रहा है भाई आपसे यहाँ पर कि इस गठबंधन का उद्देश्य चीन पर नजर रखना और उससे जुड़ी खुफिया जानकारी को साझा करना है, बिल्कुल सही बात है, पहला कथन सही है, जो 5 ईयर में बार बार कह रहा हूँ 5 आई गठबंधन है। उसके बाद कह रहा है भारत और जापान 5 आई के संस्थापक है, नहीं भाई, इसके बाद 5 आई की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1946 में हुआ था, तो ये कथन सही है, तो पहला सही है और तीसरा सही है आपका, तो सी वाला ऑप्शन जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने भी साथियों ने यहाँ पर सी जवाब दिया है, वो लोग यहाँ पर जो लोग जवाब दे रहे हैं भाई बहुत अच्छी बात है, जो लोग जवाब नहीं दे रहे हैं बहुत गलत बात है, जवाब जो सब लोग देने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और सब लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे भैया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, तो चलिए 5 आई की शुरुआत जो है बिल्कुल मैंने बताया था ना दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सब लोग बताते हुए चलिएगा। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, कि भारत में अमेरिकी बालिका, तो पता नहीं क्या लग रहा है, अमेरिकी बालिका गीतांजलि राव निम्नलिखित में से किस प्रकरण के लिए हाल ही में समाचार के सुर्खियों में रही थी भाई, क्वेश्चन नंबर 62 सब लोग बताते हुए चलिएगा। तो किस यहाँ पर कह रहा है भारतीय मूल की अमेरिकी है बालिका गीतांजलि राव निम्नलिखित में किस प्रकरण के लिए जो हाल ही में समाचार के लिए सुर्खियों में रही थी, नाम याद रखिएगा, टाइम्स मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना जाना, ठीक है, इनको टाइम्स मैगजीन के द्वारा चुना गया था, क्या किड ऑफ द ईयर चुना गया था, इसलिए चर्चा में रही थी, तो डी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी वाला उत्तर बच्चा आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। 1857, देखो भैया बढ़िया क्वेश्चन सब लोग बताते हुए चलिएगा भाई, 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान एक पुस्तक है, इसके लेखक बताइए कौन है भैया, 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान के लेखक कौन है, तो विनीत वाजपेयी, कौन है बच्चा, विनीत वाजपेयी जी हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका दिया गया बी वाला, विनीत वाजपेयी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, द स्वॉर्ड ऑफ क्या है भाई, मस्तान के लेखक कौन है भाई, क्लियर है,